जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ, आपसे रूबरू हुआ हूँ कोरोना वायरस के ऊपर। आज जब हम सब पीड़ित हैं तो मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर की तरफ से घोषणा करता हूं कि जो व्यक्ति, जो ग्रुप कोरोना नामक इस बीमारी से बचने के लिए कोई टीका बनाकर हमारी सरकार को पेश करेगा, उसे मैं अपनी तरफ से, अपनी शनि मंदिर की तरफ से 1,00,000 रुपए का नगद इनाम इस समाज के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस सृष्टि में मानव जाति की रक्षा के लिए दूंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 50 से लेकर 80 लाख लोग 1520 में, संवत 1520 में स्मॉल पॉक्स की बीमारी से मारे गए थे। 20,000 से ज्यादा लोग 1563-64 में लंदन के अंदर प्लेग की बीमारी से मारे गए थे। 20-22 लाख लोग कोकोलिजिटल एपिडेमिक से 1576 से लेकर 1580 के दौरान मारे गए थे। ये उस समय की मेक्सिको की जनसंख्या का 50% था। पुणे 20,000 लोग 1592 से 1593 के दौरान लंदन में प्लेग से मारे गए थे। 28,000 लोग इटली में 1629 के दौरान इटालियन प्लेग फैलने के दौरान मारे गए थे। 2,80,000 लोग इटली में प्लेग के द्वारा 1629-30 के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 1,00,000 लोग इंग्लैंड में 1665-66 में प्लेग के शिकार हुए थे और मौत को प्राप्त हुए थे। फ्रांस में 40,000 लोग 1668 में प्लेग के शिकार हुए थे और मौत को प्राप्त हुए थे। 76,000 लोग ऑस्ट्रिया में वियना प्लेग के नाम से मशहूर प्लेग से 1679-80 में मौत के गाल में चले गए थे। 1,00,000 लोग फ्रांस में 1720 से 1722 के दौरान प्लेग के दौर से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 50,000 लोग बाल्कन्स में 1738 में बाल्कन्स प्लेग के नाम से मशहूर प्लेग के शिकार हुए थे। रशिया में 50,000 लोग 1970-72 के दौरान प्लेग के शिकार हुए थे। 20,00,000 लोग पर्शियन प्लेग में 1972 से 75-76 के दौरान, पर्शियन प्लेग के दौरान, स्मॉल पॉक्स के दौरान और येलो फीवर के दौरान शिकार हुए थे। ये महामारी बार बार हमें किसी ना किसी रूप में डसती रही है, तो हमें सरकारी सुरक्षा नियमों का पालन करने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से 1,00,000 लोग 1816 में जो फर्स्ट कॉलेरा अटैक हुआ था, इस महामारी के शिकार हुए थे। 1829 के बाद 1,00,000 लोग सेकंड कॉलेरा महामारी के शिकार हुए थे। 10,00,000 लोग पुनः थर्ड कॉलेरा अटैक जो रशिया से शुरू हुआ था उसमें 1852 और उसके बाद 10,00,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये
कॉलेरा का तीसरा सबसे बड़ा अटैक था, और जो 22 मिलियन लोग इंडिया और पूरी दुनिया में शिकार हुए थे प्लेग की वजह से, वो 1855 से लेकर 1960 के दौरान हुए हैं। जो 22 मिलियन लोग अगर देखा जाए तो 2,20,00,000 लोग पूरी दुनिया के अंदर 1855 से लेकर 1960 के दौरान अलग अलग समय पर प्लेग की महामारी के शिकार होकर मृत्यु के गाल में समा गए हैं। इसी प्रकार 10,00,000 लोग पूरी दुनिया में 1879-90 के दौरान फ्लू के शिकार होकर मौत को प्राप्त हुए हैं। 8,00,000 लोग छठे कॉलेरा अटैक जो यूरोप एशिया और अफ्रीका में फैला था 1899 से लेकर 1900 के प्रारंभिक सालों तक, वो छठा कॉलेरा अटैक था, उसमें मारे गए। 40,000 लोग चाइना के अंदर 1910 से 1912 के दौरान प्लेग के शिकार हुए। 15,00,000 लोग पूरी दुनिया में एंसेफलाइटिस लेथार्जिका पेंडेमिक के शिकार हुए 1915 से लेकर 1926 के दौरान। 1,00,000,000 लोग पूरी दुनिया के अंदर 1918 से लेकर 1920 के दौरान स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए हैं। 20,00,000 लोग पूरी दुनिया में 1857 और 1858 के दौरान, वो 1957 से लेकर 1958 के दौरान एशियन फ्लू के शिकार हो चुके हैं। 10,00,000 लोग पूरी दुनिया के अंदर 1968 से 1969 के दौरान हांगकांग फ्लू के शिकार हुए हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इंडिया के अंदर 15,000 लोग 1974 में स्मॉल पॉक्स के शिकार होकर मृत्यु के गाल में समा गए थे। और अगर हम HIV एड्स नाम की बीमारी की बात करें तो अब तक 3,20,00,000 लोग 1920 से लेकर आज तक पूरी दुनिया में HIV एड्स नामक बीमारी के शिकार होकर मृत्यु के गाल में समा चुके हैं। बात करते हैं अभी रिसेंट जो आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं 1,51,000 से लेकर 5,75,000 लोगों के बीच में पूरी दुनिया के अंदर 2009 में जो फ्लू फैला था, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिसे हम H1N1 वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो ये बिल्कुल अभी 2009 की बात है, जब पूरी दुनिया के अंदर 2009 में 1,51,000, तो ये कम से कम आंकड़ा है जिसकी संख्या सरकारी आंकड़ों पे या न्यूज एजेंसी के चैनलों के माध्यम से जो है वो 5,75,400 लोगों की है, वो मृत्यु के गाल में समा गए, आकस्मिक ही हम सब लोगों को छोड़कर चले गए और स्वाइन फ्लू नाम के वायरस का शिकार हुए थे। तो आज जो समय है अपने आप की सेफ्टी का समय है, हमें अपनी हर सरकारी गाइडलाइन को पूरी तरीके से पालन करने का समय। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप सरकार ही के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें, किसी से हाथ ना मिलाएं, मुंह पर मास्क पहनें, ऐसी जगह पर इकट्ठे ना हो जहां पर भीड़ भाड़ हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 1 मीटर के करीब की दूरी बनाए रखें, खांसते समय छींकते समय या हर समय मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, मजबूरी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, तभी आप हमारा देश और यह दुनिया कोरोना नामक वायरस से सुरक्षित रह सकती है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। आज की इस चर्चा में मैं आप सभी लोगों के लिए परमपिता परमात्मा से और इन सभी ग्रह देवताओं से विनम्र प्रार्थना करता हूं
करबद्ध होकर निवेदन करता हूं कि हम सबको शीघ्रता शीघ्र आत्मबल, शारीरिक बल, मानसिक बल प्रदान करें, ताकि हम कोरोना नामक इस वायरस को सदा सदा के लिए इस पृथ्वी से खत्म कर सकें और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। जय शंभू।